वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने इससे पहले के दो वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आपने ड्राइंग इक्विपमेंट्स, ड्राइंग शीट की सार संभाल करना समझ लिया होगा। तो उन इक्विपमेंट्स के साथ आज आप तैयार हैं तीसरी ड्राइंग शीट के लिए। तो आइए जिस शीट पे हमने लेआउट और टाइप्स ऑफ लाइंस बनाया था उसके आगे चलते हैं। और आज हम सीखेंगे लेटरिंग। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ऐसा कहा जाता है। हमारी ड्राइंग की सुंदरता सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि हमने उस पर किस तरह की हैंडराइटिंग का उपयोग किया है। यदि हमारी हैंडराइटिंग गंदी होगी, हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो हमारी ड्राइंग अच्छी लाइन वर्क होने के बावजूद भी बहुत ही गंदी दिखेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लेक्चर को ढंग से सुने, देखें और घर जाकर अपनी स्केच बुक में इसकी बाकायदा अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत ज्यादा काम नहीं है, हमको सिर्फ 26 अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है और कैपिटल्स में लिखना है, और इसी के साथ जो न्यूमेरल्स हैं 0 से लेकर 9 तक उनकी हमको प्रैक्टिस करनी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। ए से लेकर जेड तक जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ विशेषताएं आपको दिखेगी। उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करने से पहले आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिससे आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिर उसी पर मैं आपको वो चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज का जो आपको असाइनमेंट है उसमें आपको सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल लेटर्स लिखने हैं, उनका रेशियो 6:5 होगा। हाइट जो लेटर्स की रहेगी वो 10 mm रहेगी। यह 10 mm की साइज जो है वो हमारे टाइटल ब्लॉक्स में यूज होगी, और दूसरी साइज जो आप यूज करेंगे प्रैक्टिस के लिए उसमें हाइट ऑफ लेटर्स आप रखेंगे 5 mm। तो उसका प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक लेटर्स के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुने। यह लेटर्स की हाइट है और यह इनकी विड्थ है। लेटर ए अपने इमेजिनरी एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है उसके दोनों ओर सिमेट्रिकल है। लेटर वी और लेटर वाई तीनों ही वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। दूसरी बात, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी साइज हाइट और विड्थ इक्वल है, जैसे लेटर ए, आगे चलिए लेटर एम, लेटर क्यू, वी, एक्स और वाई, इनकी साइजेस इक्वल है। लेटर डब्ल्यू जो है उसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका रेशियो 6:8 है। इसकी हाइट 6 रखी है और इसकी विड्थ जो है वो 8 है, तो इसका रेशियो 6:8 है। अब कुछ स्पेशल लेटर्स है जैसे बी, ई, एफ और एच, इनमें एक सेंटर में लाइन होती है। यह सेंटर की लाइन जो लेटर का सेंटर है उससे थोड़ी सी ऊपर होती है ताकि लेटर स्टेबल दिखे। पी एक ऐसा लेटर है जिसमें यह जो लाइन है यह सेंटर से थोड़ी सी नीचे रहेगी। यह चीजें मैंने आपको बनावट के लिए बताई है,
अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन दो लेटर्स के मध्य जो स्पेस होगा वह ऊंचाई का h by 5, ऊंचाई यदि h है तो वह होगा h by 5, इस चीज का ध्यान रखें। जब आप वर्ड्स बनाएंगे तो दो वर्ड्स के बीच में जो गैप होगा दैट विल बी 6h/5। तो चलिए अब हम इनमें से कुछ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की हल्की कम दबाव रखते हुए हम एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही एक 5 mm ऊंचाई की लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से ये ड्राइंग बनानी है लाइन, ताकि जो इस ड्राइंग शीट का यूजर है उसे वह लाइन विजिबल नहीं हो और हमारे जो अक्षर है वह उभर कर साफ दिखाई दे। इसके बाद हमको जो प्रैक्टिस करनी है वह हमारी नंबर्स की है, तो उसके लिए भी हम एक हल्की लाइन बना लेते हैं। ध्यान ये रखें यह ऊंचाई 10 mm रखनी है, यह 5 mm, दस एमएम रहेगी। अब आप इन पर लेटर्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ लेटर्स आपको बनाकर दिखाता हूं। ध्यान यह रखना है कि हमें इनमें स्केल का उपयोग नहीं करना है और फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है। शुरू में जरूर कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप सुंदर लेटर्स बना पाएंगे। मैं आपको एक टिप देता हूं जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे और आपकी हैंडराइटिंग और भी सुंदर हो जाएगी। आप जब छोटे होंगे तो आपने मैथ्स की कॉपी काम ली होगी। इसमें जो ब्लॉक है उसकी डायमेंशन बराबर 1 cm, 1 cm का ब्लॉक है। अब इसमें आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ड्राइंग शीट पर बनाने से पहले इस पर प्रैक्टिस करें। आप कोई ग्राफ शीट या ग्राफ पेपर भी उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि आप अपनी लेटर राइटिंग इंप्रूव करेंगे और शीट पर इन लेटर्स को कंप्लीटली अच्छे से लिख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और अगली शीट जो हम तैयार करेंगे उसमें मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट में लाइंस का यूज कैसे होता है उसका एक सैंपल बताऊंगा। तब तक के लिए लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करें।